वेलकम बैक अगेन टू निलोफर व्लॉग्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू, डेमो एंड द रिजल्ट। बट आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के वहाँ गर्मी किस हद तक पड़ रही है, बिकॉज मुंबई की बात करूँ तो 42 डिग्री के अराउंड तो गर्मी चल रही है। स्टार्टिंग में तो गर्मी लग नहीं रही थी, अब पड़ रही तो ऐसी पड़ रही कि भाई कयामत सी छा गई है। नाउ देखो, गर्मियाँ हैं तो हम फीमेल्स को या मेल्स को भी एक्चुअली अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बिकॉज आप चाहो ना चाहो आपको टैनिंग होती है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमारी स्किन से टैनिंग को भी रिमूव करे और साथ में हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करे। उससे होता ये है कि जो डेड स्किन की लेयर होती है हमारी स्किन पर वो इजीली रिमूव हो जाती है, टैनिंग रिमूव हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो भाई उस स्किन के साथ वैसे ही वो रिमूव हो जाती है। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी मेरा पर्सनल फेवरेट और एवरी टाइम का जो एक फेवरेट प्रोडक्ट होता है या एक्सफोलिएशन वाला प्रोडक्ट होता है या टैन रिमूवल वाला प्रोडक्ट होता है, तो वो है हमारा एवर यूज का फेस स्क्रब। दिस इज अ चेरी एंड द चॉकलेट वाला फेस स्क्रब है। ये आपकी स्किन को सिर्फ टैनिंग से रिमूव नहीं करता है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और फेवर सॉफ्ट जैसी स्किन बना देता है। इसके रिगार्ड्स में आज आपके साथ में शेयर करूंगी इसका रिव्यू, डेमो एंड द रिजल्ट, वो भी बहुत ही ऑनेस्टली गाइस, बिकॉज मैं झूठ नहीं कह रही। ओके, सो ऐसे प्रोडक्ट की और रिव्यू, डेमो और रिजल्ट चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू लाइक, डू कमेंट। इससे होगा ये कि आपको आने वाले हर वीडियो में सबसे पहले मिलेंगे और वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज मैं एडवाइस का रिजल्ट बताऊंगी, ऑनेस्ट वाला रिजल्ट। ओके, लेट्स बिगिन। बनाया गया है, यानी इसको इजाद किया गया है। इसकी पैकेजिंग जो ऊपर का कैप है ये ब्राउनिश सा शेड है, बिकॉज इट्स अ चॉकलेट एंड चेरी, इसलिए आई थिंक ये ऐसा बनाया गया है। काफ़ी शाइनी है और मुझे काफ़ी हैंडी और काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग लगती है। एक और चीज़, इसका जो ये कंटेनर है ये कांच का बनाया हुआ है, आई मीन ग्लास का है, बिकॉज आपको ये समझ में आता है कि काफ़ी हैवी है, बिकॉज ये प्लास्टिक वगैरह से नहीं है, ये ग्लास से बनाया गया है। और ये है प्योर एंड लाइट एवर यूथ का एक फेस स्क्रब है जो टैन रिमूवल के लिए होता है। एक्चुअली में ये जो एवर यूथ का ब्रांड है ये बहुत ही पुराना ब्रांड है। मैं अगर मैं छोटी थी, मैं अभी तब की बात करूँ तो मैं तब से इस ब्रांड को देखती आ रही हूँ, यानी जब से होश संभाला है तब से ये ब्रांड चला है, काफ़ी पुराना है। और एवर यूथ का ये जो मास्क है ये मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल से यूज़ करना स्टार्ट किया था और स्टिल ये मेरे फेवरेट की विश लिस्ट में हमेशा रहता है। आपको डेमो करके दिखाऊंगी, बट मैं पहले बता दूँ कि ये मेरा फेवरेट क्यों है। फर्स्ट थिंग तो ये चॉकलेट एंड चेरी से बनाया हुआ है जो हमारी स्किन से हमारी टैन को रिमूव करते हैं। उसके अलावा हमें स्किन को काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं, बिकॉज एक्सफोलिएट से हमारी स्किन वैसे ही सॉफ्ट होती है, इवन होती है, जो अनइवन स्किन टोन होता है वो दूर होता है। उसके अलावा हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो स्मूथ होता है। तो हफ्ते में 1 से 2 बार एज पर योर स्किन रिक्वायर्ड आपको टैनिंग रिमूवल के लिए एक्सफोलिएशन ज़रूर करना चाहिए। और दिस इज़ माई फेवरेट, बिकॉज जो चेरी और चॉकलेट है ना यार, आप इसको ऐसे ओपन करोगे ना तो आप इसके फ्रेगरेंस में ही खो जाओगे। मैं आपको दिखा दूँ, ओ माय गॉड, हाँ, सुपर लाइट एंड प्योर, यू कैन सी दैट टेक्सचर। आप उसको देखे देखेंगे, मैं लिख कर सुपर, हम उसको खा नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द स्क्रब। मैं आपको अपने हाथ पे इसको लगा के दिखाती हूँ, फिर हम उसका डेमो भी करेंगे। यू कैन सी राइट नाउ, ये काफ़ी स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा। इसके अंदर आपको पार्टिकल्स दिखेंगे स्क्रब करने के लिए। यू कैन सी ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और स्किन से सारी डलनेस, आपके जितने भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, सबको ये अच्छे से रिमूव करके बाहर फेंक देंगे। एंड यू कैन सी
आपको इसमें अभी पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। तो लेट्स ट्राई, मैं आपको फेस पे इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में कितना वर्क करता है। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ इसको अप्लाई करते करते मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले अपने फेस को डैम कर लें, उसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें और फोकस करें आपके पॉइंटेड एरिया पर, जैसे आपका नोज़ हो गया, आपका चिन एरिया हो गया, आपका फोरहेड हो गया, जहाँ पे आपको पम्पी जैसी स्किन लगती है स्पेशली उस एरिया को टारगेट करें। आप इसको नेक पर, अपने अंडर आर्म्स पर भी इसको यूज़ कर सकती है। या मेक श्योर कि ये आपकी टैनिंग को रिमूव करने वाला है, बट ये एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को। तो हफ्ते में 2 से 3 बार या आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको इसको यूज़ करना है। ओवर यूज़ ना करें और नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। वॉश करते ही यू कैन सी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ईजिली रिमूव हो जाते हैं। प्लस हम स्पेशली इसको यूज़ करें समर्स में टैनिंग के लिए, जो वो भी निकल जाएंगी और आपकी स्किन बिकम ब्राइटर सॉफ्टर। आप फेस फर्स्ट यूज़ में ही आपको फर्क इजीली दिखाई देगा, इनविजिबल। सो मेक श्योर आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करें। ओके, नाउ टाइम टू रिजल्ट, जो हमारा मेन मोटो होता है एक वीडियो को लेके। जब भी हम कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं तो हमको जानना होता है कि भाई उसका रिव्यू क्या कहता है, उसका रिजल्ट क्या कहता है, राइट। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो ये 100% वर्क करता है। आपकी स्किन से फर्स्ट टाइम में 70-80% की टैनिंग को रिमूव कर देगा। एक्चुअल में ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और ये मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका एक मास्क भी आता है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके मास्क का रिव्यू डेमो शेयर करूँगी। सो नीलोफर की तरफ से ये अप्रूव है, डेफिनेटली ट्राई आउट ही, सो ज़रूर ट्राई करें। इसका लिंक मैं नीचे प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी इफ पॉसिबल, ताकि आप लोग को इजीली इसको ढूंढने में मिल जाए। सो गाइस, ये था आज का प्रोडक्ट का रिव्यू, डेमो एंड द रिजल्ट। होप सो यू लाइक इट।